जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका एम विद आरवी परिवार में। तो आज हम देखेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ। चलिए देखते हैं भारत की पवित्र नदी कौन सी है। तो गंगा इसकी पवित्र नदी है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। तवा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी ध्रोड़ी से होकर बहती है? नर्मदा नदी बहती है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी इसकी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। और कौन सी नदी कपिल जल धारा प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? ब्राह्मणी नदी। वैनगंगा और पैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं ये। इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? गंगा नदी पर। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में बहता है। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी? राजग सरकार के। और कौन सी नदी रिप्त घाटी से होकर बहती है? ताप्ती नदी। कौन सी नदी रिप्त घाटी से होकर बहती है? ताप्ती नदी। और कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था? सिंधु नदी पर। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो 20%। और प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? देखते हैं, महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वैगई नदी। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो नर्मदा नदी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा। और किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? देवप्रयाग में। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? चंबल एवं साबरमती। लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ का रण में गिरती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं? सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी। और कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? सिंधु की 2880 किलोमीटर व ब्रह्मपुत्र की 1900 किलोमीटर है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। कौन सी नदी कपिल जल धारा प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।
जय हिंद।